इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हम बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाने वाले जितने कंटेंजेंट्स थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पूरे कंटेंजेंट को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था। अब इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से मिले। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को उनका फेवरेट चूरमा ऑफर किया, साथ ही उन्होंने पीवी सिंधु से किया अपना वादा भी निभाया। प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु को आइसक्रीम खिलाई। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर ओलंपिक के पदक वीरों से मुलाकात की है। हालांकि पूरा ओलंपिक दल प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचा है। ब्रेकफास्ट पर, नाश्ते पर प्रधानमंत्री ने बुलाया था। खास मुलाकात नीरज चोपड़ा के साथ रही, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया और यह अपने आप में ऐतिहासिक था। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज की इस मुलाकात की क्या क्या खास बातें रही, जरा डिटेल में बताइए। एक चीज तो ये थी कि प्रधानमंत्री का जो इंटरेक्शन रहा था वो प्लेयर्स के साथ, वो अलग अलग इंटरेक्शन रहा जो कि प्लेयर्स के लिहाज से भी बहुत खास रहा कि देश के प्रधानमंत्री उनके खेल के बारे में, उनके बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से छोटी चीजों का ध्यान रखा था, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं हुसैन, कि जब वो नीरज चोपड़ा के साथ बात कर रहे थे जो कि गोल्डन बॉय के तौर पर विदेश में चर्चित हैं, तो उनके साथ बातचीत करने के दरमियान उनके बहुत सारी चीजों पे वो पूछ रहे थे और नीरज चोपड़ा की जो बहुत सुखद अनुभूति थी कि देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में इतना जानते हैं और न सिर्फ जानते हैं बल्कि नीरज चोपड़ा को चूरमा पसंद है। तो उस समय जब वो पीएम से बात कर रहे थे तो उनके सामने चूरमा भी सर्व किया गया था नीरज चोपड़ा के लिए। दूसरी तरफ पीवी सिंधु जो उनके जिनसे जब पीएम की बात हुई थी तो एक आइसक्रीम का वायदा हुआ था और आज जब वहां पे वो थी तो उनके उस फेवरेट आइसक्रीम को भी सर्व किया गया पीवी सिंधु के सामने। और हॉकी टीम के साथ जब वो थे तो हॉकी टीम के साथ उन्होंने ऑटोग्राफ करके एक हॉकी स्टिक दिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही गर्मजोशी भरे माहौल में जिसपे खिलाड़ियों को ये लगे कि जिस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश के प्रधानमंत्री उन्हें किस तरह सम्मान दे रहे हैं, ताकि और सबके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि न सिर्फ इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़े बल्कि इस चीज को देख के देश में बाकी भी जो दूसरे यंगस्टर्स हैं वो भी इन खेलों के प्रति प्रेरित हों कि अगर आप देश का नाम रोशन करते हैं तो किस प्रकार से आपको सम्मान मिलता है। और इस सारे मकसद से प्रधानमंत्री ने आज ये आयोजन किया था। इससे पहले आपने देखा कि कल लाल किले के प्राचीर से किस प्रकार से उन्होंने इस बात की जयघोष किया, उसके बाद सारे प्लेयर्स वहां मौजूद थे सम्मान स्वरूप। तो कुल मिलाकर आगे खेलों को और ज्यादा बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश का ये नतीजा थे जब प्लेयर्स वहां पे पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। जी देवेंद्र, और जब आप चूरमा की बात कर रहे थे और मैं वो तस्वीर भी देख पा रही हूँ, इंडिया टीवी पर दर्शक भी एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा के चेहरे पर एक मुस्कान खिलाई है और मुझे उनकी माँ का बयान भी याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को चूरमा बहुत पसंद है लेकिन क्योंकि ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मीठे से उन्होंने पूरी दूरी बना रखी है। अब पता नहीं माँ के हाथों का वो चूरमा खा पाए या नहीं खा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा सर्व किया हुआ ये चूरमा खाकर तो है। देवेंद्र, हौसला जो है वो हर खिलाड़ी का आज बढ़ रहा होगा क्योंकि यहीं पे तो कहानी रुक नहीं जाती, इतिहास एक बना है और आगे कई और इतिहास और कीर्तिमान बनाने हैं, तो उससे एक बड़ा मोटिवेशन खिलाड़ियों को मिलता होगा या इन्हें देखकर और खिलाड़ी तैयार होंगे। निश्चित तौर पर, और ये जो प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे थे आप देखें तो ओलंपिक की तैयारी के बाद और जब टीम जाने लगी तो उन सबसे बातचीत करना, हम खेले मिल रहे हैं, जैसे कोई खिलाड़ी अच्छा करे तो उनसे फोन करके बातचीत करके उनको बधाई देना, ये सारी चीजें आप देखें तो ऐसा नहीं था कोई एक घटना हो रही है और बल्कि एक पूरी चेन रिएक्शन के तौर पर आप देख सकते हैं कि खेलों को लेके ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए उसके चलते उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है और उसी कोशिश का ही नतीजा था। जहां हमें ये बताया गया कि बहुत सारे प्रधानमंत्री जी हास्य विनोद में उनके जो लाइटर कमेंट्स होते हैं, वन लाइनर होते हैं, वो बहुत ज्यादा ठहाके लगाने वाले होते हैं और आज हमें ये बताया गया कि जब प्रेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे तो ऐसे कई अवसर आए जब प्रधानमंत्री के वन लाइनर निकले और उन वन लाइनर पे प्लेयर्स ने ठहाका लगा के हंसे। वो जाहिर प्रस्ताव अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के इतने लोकप्रिय नेता, दुनिया के में इतनी पॉपुलरिटी जिनके हासिल हो, वो प्लेयर्स उस प्रधानमंत्री के साथ बैठ के ऐसी चर्चा कर रहे हैं, न सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री उनके बारे में छोटी से छोटी चीज बता रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए उनका हौसला, उनके जज्बे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कितना खास है ये पर।
शुक्रिया देवेंद्र। वाकई ये मुलाकात जो ओलंपिक दल की प्रधानमंत्री के साथ हुई है, पदक वीरों के साथ हुई है, ये मुलाकात खेलों को बढ़ावा देगी और तमाम जो पदक वीर हैं उनका भी काफी हौसला बढ़ाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।